गिनती की पुस्तक अध्याय दो, गिनती की पुस्तक अध्याय दो। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इस्राएली मिलाप वाले तंबू की चारों ओर और उसके आमने सामने अपने झंडे और अपने अपने पितरों के घराने के निशान के समीप अपने डेरे खड़े करे, और जो अपने पूर्व दिशा की ओर जहां सूर्योदय होता है अपने अपने दलों के अनुसार डेरे खड़े किया करे, कि वे यहूदा की छावनी वाले झंडे के लोग होंगे, और उनका प्रधान अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 74,600 है। उनके समीप जो डेरे खड़े किया करे वे इस्साकार के गोत्र के हो, और उनका प्रधान सुआर का पुत्र नतनेल होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 54,400 है। इनके पास जुबलून के गोत्र वाले रहेंगे, और उनका प्रधान हेलोन का पुत्र एलियाब होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 57,400 है। इस रीति से यहूदा की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने हुए हैं, सब मिलकर 186,400 है। पहले ये ही कूच किया करें। दक्षिण अलंग पर रूबेन की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहे, और उनका प्रधान शदेऊर का पुत्र एलिसूर होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 46,000 है। उनके पास जो डेरे खड़े किया करे वे शिमोन के गोत्र के होंगे, और उनका प्रधान सूरी शद्दय का पुत्र शलुमेल होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 59,300 है। फिर गाद के गोत्र के रहे, और उनका प्रधान रुएल का पुत्र एल्यासाप होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 45,650 है। रूबेन की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब मिलकर 1,01,450 है। दूसरा कूच इनका हो। उनके पीछे और सब छावनियों के बीचों बीच लेवियों की छावनी समेत मिलाप वाले तंबू का कूच हुआ करे। जिस क्रम से वे डेरे खड़े करे उसी क्रम से वे अपने अपने स्थान पर अपने अपने झंडे के पास पास चले। पश्चिम अलंग पर एप्रेम की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहे, और उनका प्रधान अम्मीहूद का पुत्र एलिशामा होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 40,500 है। उनके समीप मनुष्य के गोत्र के रहे, और उनका प्रधान पदासुर का पुत्र गमलियेल होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 32,200 है। फिर बिन्यामिन के गोत्र के रहे, और उनका प्रधान गिदोनी का पुत्र अबिदान होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 35,400 है। एप्रेम की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए हैं वे सब मिलकर 108,100 पुरुष है। तीसरा कूच इनका हो। उत्तर अलंग पर दान की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहे, और उनका प्रधान अम्मीशद्दै का पुत्र अहिएजेर होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 62,700 है, और उनके पास जो डेरे खड़े करे वे आशेर के गोत्र के रहे, और उनका प्रधान ओक्रान का पुत्र पगियेल होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 41,500 है। फिर नफ्ताली के गोत्र के रहे, और उनका प्रधान एनान का पुत्र अहिरा होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 53,400 है। और दान की छावनी में जितने गिने गए वे सब मिलकर 1,07,600 है। ये अपने अपने झंडे के पास पास होकर सबसे पीछे कूच करे। इस्राएलियों में से जो अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार गिने गए वे ये ही है, और सब छावनियों के जितने पुरुष अपने अपने दलों के अनुसार
गिने गए वे सब मिलकर 603,550 थे। परंतु यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार लेवीय तो इसराइलियों में गिने नहीं गए, और जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी इसराइली उन आज्ञाओं के अनुसार अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार अपने अपने झंडे के पास डेरे खड़े करते और कुछ भी करते थे।